कारगिल जंग के 25 साल कैप्टन अनुज नैयर की अदम्य वीरता की कहानी। अभी तक कोई ऐसा माई कालाल नहीं मिला जो मुझसे जीत पाए। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। डर नाम का कोई वर्ड उस डिक्शनरी में नहीं है जो आपने मुझे दी है। ये शब्द कैप्टन अनुज नैयर के है, जिन्होंने शहीद होने से पहले अपने पिता को लिखे थे। 26 जुलाई को कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं और हम इस मौके पर उन वीर योद्धाओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की थी। इस कहानी में हम द्रास के टाइगर कैप्टन अनुज नैयर की वीरता की गाथा को जानेंगे। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों में से एक है। 6 जुलाई 1999 को 17वीं जाट रेजिमेंट की टीम ने जाट बलवान जय भगवान का नारा लगाते हुए कारगिल की पॉइंट 4875 चोटी पर दुश्मन से भिड़ने का संकल्प लिया। इस टीम की कमान 24 साल के कैप्टन अनुज नैयर के हाथों में थी। वे कुछ दिन पहले ही लेफ्टिनेंट से प्रमोट होकर कैप्टन बने थे। कैप्टन अनुज नैयर की टीम ने रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू की। भूखे प्यासे जवान दुर्गम पहाड़ियों पर आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। कैप्टन अनुज ने अपनी टीम के साथ जवाबी फायरिंग शुरू की। दुश्मन की ताकत और गोला बारूद अधिक था, लेकिन कैप्टन अनुज ने हार नहीं मानी। वे लगातार दुश्मन पर फायरिंग करते रहे और 9 पाकिस्तानियों को मार गिराया। रात तेजी से कट रही थी और सुबह के करीब 5 बज चुके थे। अनुज ने तय किया कि आगे बढ़ना चाहिए। अपने साथी की चेतावनी के बावजूद वे पीछे नहीं हटे और चौथे बंकर पर हमला किया। तभी दुश्मन का बम उनके ऊपर गिरा और वे शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत के कुछ घंटे बाद ही भारतीय सेना ने पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहरा दिया। कैप्टन अनुज को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एसके नैयर प्रोफेसर थे और माँ मीना नैयर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम करती थी। अनुज बचपन से ही बहादुर और निडर थे। वे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधियों में भी आगे रहते थे। एक बार उन्हें चोट लगने पर बिना एनेस्थीसिया के 22 टांके लगवाए गए थे। उनकी माँ बताती हैं कि वे हमेशा से मिलिट्री और गन में दिलचस्पी रखते थे। 12वीं के बाद पहले ही अटेम्प्ट में उनका एनडीए में सिलेक्शन हो गया था। अनुज की सगाई उसके साथ पढ़ी एक लड़की से हुई थी और शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी अपने ऑफिसर को सौंप दी थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्यार की निशानी दुश्मन के हाथ लगे। शहादत के बाद उनकी अंगूठी उनके घर पहुंचाई गई। कैप्टन अनुज नैयर की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, समर्पण और देशभक्ति का असली अर्थ क्या होता है। उनकी शहादत भारतीय सेना के साहस और शौर्य का प्रतीक है। जय हिंद।